तो दोस्तों चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में आपका कह रहा है, गिवन दैट एच सी एफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, यानी गिवन दैट दिया हुआ है आपको क्या चीज़, 306 और 657 का एच सी एफ, ठीक, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर दिया हुआ क्या चीज़, 9, ठीक। अब कहता है कि फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657, तब कहता है कि एलसीएम निकालने के लिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहता है निकालने के लिए, तो कैसे निकालिए, जैसा कि आप लोग पढ़े थे एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, जब एक चीज़ कोई दिया हुआ हो, जब सेम नंबर ही है और एचसीएफ दिया हुआ है तो एलसीएम आप निकाल सकते हैं, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो एलसीएम आपका कितना है ये आपको पता नहीं है, तो लिख लीजिए एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ आपको कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना है, 306 है और मल्टीप्लाई 657 है। यहाँ तक लिखने में किन्हीं को कोई दिक्कत है, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए किन्हीं को। अब क्या करना है, एलसीएम को यहाँ रहना है और डिजिट को क्या करना है, इस साइड हम लेकर के आ जाएंगे, तो एलसीएम इक्वल टू क्या लिखेंगे, 306 मल्टीप्लाई 657, इधर 9 किस चीज़ में है, मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो बाय 9। अब इस दोनों को काट लीजिए, तो इसको थोड़ा सा एरो जो है इसको मिटा देते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, 3 3 जा 27, 3 और 6 3 9 ये 9 4 जा 36, 9 3 जा 27 हो गया था, ठीक, 27 बचा 3 और 6, तो 9 4 जा 36 पूरा कट गया। अब आपका क्या बच गया, एल सी एम इक्वल टू 34 मल्टीप्लाई 657, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका कितना आ जाता है, 22,338 आ जाता है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके आप लोग खुद से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट लिख दिए, हम पहले से मल्टीप्लाई कर चुके थे, ठीक है, हमें इसका मल्टीप्लीकेशन याद था इसलिए हम पहले से मल्टीप्लाई किए थे और इसको हम लिख दिए। तो क्वेश्चन नंबर फोर में भी कुछ ज़्यादा आपको परेशानी नहीं हुआ होगा, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट था जो कि क्लियर हो चुका होगा।